और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम गुड। तो जनाब, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, उसके बाद वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है? और वॉच करने के बाद लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, इससे थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। और दूसरी बात, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और वीडियो को वॉच करते हैं। बिना सब्सक्राइब किए वॉच करना तो बहुत बुरी बात है। सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, जिसके आपको कोई कॉस्ट नहीं लगती, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो जनाब, आज मैं बात करने वाली हूँ मैक के इस फेस वॉश की, जो कि बहुत ज़्यादा ये भी वायरल था मैक ले लंडन वाले शैम्पू के साथ। तो जनाब, मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ से आपको मिलेगा। ये इसकी भी वेबसाइट है ICS, जो मैंने पहले आपको बताई थी, जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, जहाँ से मैक ले लंडन भी आपको मिल जाएगा, वहीं से ये वाला भी आपको फेस वॉश मिलेगा। तो जी, गूगल करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। तो वहाँ से बहुत रिजनेबल प्राइजेस में मिलते हैं आपको चीज़ें, और मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, आपको जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। और हाँ जी, एक बात क्लियर कर दूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये ख़ुद मैंने लिया है अपने पैसों से, उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और वो वेबसाइट मुझे इसलिए अच्छी लगी कि वहाँ पे फ्री डिलीवरी भी चल रही होती है और बहुत सारी सेल्स वगैरह भी होती हैं। तो मैंने मंगवाया था एक दफ़ा, मैंने मैक ले लंडन जो है वहाँ से दराज से परचेज़ किया, और एक दफ़ा मैंने ICS से परचेज़ किया। तो बहुत डिफरेंस मिला मुझे इसका, इनके प्राइजेज में और इनकी डिलीवरी चार्जेस में। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो जी, ये है मैक का फेस वॉश। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो कुछ मेंशन है वो पढ़ते हैं। तो ये मैक का वाइटिंग फेस वॉश है, फ्लॉलेस वाइट देता है, बूस्ट करता है वाइट को, मतलब वाइटिंग को, आपकी स्किन को वाइट करने में हेल्प करता है। और क्या है, ऊपर लिखा इंस्टेंट ग्लो देता है आपकी स्किन को, और वाइटनेस देता है, स्किन टोन को इवन करता है, क्लींस करता है, डीपली क्लींस करता है आपकी स्किन को। तो जनाब, ये कुछ इसके ऊपर मेंशन है। इसके पीछे जो है इसका, ये कुछ अरबी में कुछ इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी मेंशन है सब कुछ। अब मैं आपकी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से कुछ आता है ये, और जिस तरह से फोमी फोमी होता है ना, तो इस तरह होता है। अब इसको आप लगाएंगे तो थोड़ी सी झाग बन जाएगी, बहुत सारी बल्कि झाग बन जाती है, और फोम की तरह होता है इस तरह। और अच्छे से इसको आप लगाएं, उसके बाद जो है आप इसको वॉश कर लें, तो फ़ौरन से इस तरह से हो जाती है स्किन, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस यह है कि स्किन को साफ़ वगैरह करता है। तो बेसिक इसका जो काम है वो तो ये करता है ठीक से, मतलब सफाई करता है स्किन की। तो अब मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ इसका, कि ये इसने वाइट भी किया स्किन को या नहीं, और ये कैसा है। अगर मैं इसको रेट करूँ तो कितना रेट करूँगी? तो जी, मेरी तरफ से 10/7 है इसके पॉइंट्स, क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो भी बहुत हार्श है। अगर आपको इवन की आँखों से पानी भी आ जाना शुरू हो जाता है, लोगों को कि आँखों में चुभन महसूस होती है। दूसरी बात यह कि इसकी पैकेजिंग भी कुछ ख़ास नहीं है, और ऊपर से बॉक्स वगैरह भी नहीं आया। और तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है स्किन को। जो ऑयल स्किन वाले हैं वो तो इसको यूज़ कर सकते हैं, शायद करें, और जो ड्राई स्किन या जो कम्बिनेशन स्किन है, मेरी कम्बिनेशन है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मुझे ऐसे फेस वॉश अच्छे लगते हैं जो कि जेल फॉर्म में हो और स्किन को मॉइस्चराइज रखें। तो इसका मॉइस्चराइज बिल्कुल भी नहीं होता, थोड़ी देर के बाद शायद ठीक हो तो हो, वरना जो है बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई कर देता है। तो मेरी तरफ़ से तो ये नॉट रिकमेंडेड। अगर आप लेना चाह भी रहे हो तो मैं कहती हूँ कि इस पे पैसे वेस्ट मत करो। अगर स्मेल की बात करें तो वो वाला प्रोडक्ट जो जिसके अंदर स्मेल हो, वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श होता है और अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ की जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी हैं यहाँ के अक्सर प्रोडक्ट्स, तो उनमें फ्रेग्रेंस होती है, बट इतनी भी हार्श नहीं होती जैसे इसके अंदर है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पता नहीं मीठी और इस तरह से तीखी खुशबू, जिस तरह कहते हैं ना तीखी खुशबू है, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है और अच्छी नहीं है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आपको पर्सनली अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। तो जनाब, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।